अयान को कैसे पता चला कि असद भाई को चोट लगी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अयान भाई और असद भाई कभी कभी मिलते हैं? ये नामुमकिन है। दोनों घरों में सख्त मनाई है। वैसे भी असद भाई की अम्मी बिल्कुल नहीं चाहती कि उनका इस फैमिली से कोई लेना देना हो। हाँ, वो तो इस घर में भी सख्त मनाई है उस फैमिली से मिलने के लिए। कॉलेज में भी ना हम कभी नजमा से और ना वो कभी हमसे बात करते हैं। पता नहीं अब क्या होगा। डॉक्टर ने कहा है जख्म बहुत जल्दी भर जाएंगे। मेरे जख्म इतनी जल्दी नहीं भरते। असद, ये कैसी बातें कर? असद, क्या कर रहे हो तुम? असद, क्या कर रहे हो तुम? रुको असद। असद, क्या कर रहे हो? असद, असद क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ। असद, तुम्हारा खून बह रहा है। मेरी रगों में बेटा खून बह ही जाए तो बेहतर होगा। ऐसा नहीं कहते। असद, खुदा के लिए रुक जाओ। असद, मेरी बात तो सुनो बेटा, बात तो सुनो बेटा। लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है जनाब। मेरे बाप का साया मेरे सर से 17 साल पहले उठ गया था।
देखिए, हम थोड़ा खुश नजर आए तो बेहतर होगा। ऐसी शक्लों के साथ अंदर गए तब तो हो चुका रिश्ता। अस्सलाम वालेकुम। लड़के वाले कहाँ है? जहन्नुम में। अरे तुम्हारा इंतजार कर करके वापस चले गए। निखत को देखा उन्होंने भाभी? शेरी, कभी तो अकलमंदी की बात कर लिया करो तुम। अरे बगैर माँ बाप के लड़की दिखा देते क्या उन्हें? बहाना बनाकर वापस भेजना पड़ा। राशिद मियां, आप, अरे आप पर ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी थी कि आज ही के दिन आपको उनसे मिलने जाना पड़ा? जरा सी चोट क्या नहीं आई? अब 17 साल पुराने जख्मों को फिर से हरा करने के निकल पड़े? अरे इन लड़कियों से पूछो क्या हालत हुई है हमारी। हर आहट पर हम बाहर भागने को होती थी, कहीं आप लोग तो नहीं आ गए? और उमेरा के अब्बू? अल्लाह, उनका गुस्सा तो पूछो मत। अल्लाह, भाईजान को पता चल गया भाभी? ऐ तो क्या उनको बिना बताए रिश्ता हो सकता था ये? या खुदा, लड़की का क्या होगा कभी सोचा है? माशाल्लाह वैसे ही एक तो परिचय रहा है। अम्मी बोलने दो अब तुम हमें। देखो ये तीसरी बार है कि निखत के लिए रिश्ता आया, और तीनों बार में रिश्ता पक्का नहीं हुआ। इस बात का जरा सा भी इल्म है आप लोगों को कि दुनिया भर में लोग किस तरह की बातें करते होंगे? वो चूना भट्टी वाले हाजी इरफान साहब, याद है उनकी बेटी? अरे निहायत ही शरीफ लड़की, 2 बार बेचारी का रिश्ता क्या टूटा, सारी दुनिया में ये बातें होने लग गई कि लड़की में ही कोई कमी होगी। 33 साल की हो गई है, आज भी कुंवारी बैठी हुई है घर में, और यह तो तब जब उसकी अम्मा दोनों हाथों में 18 तोले के जेवर लेकर तैयार बैठी है। और हम कह दे रहे हैं राशिद मियां, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अरे असद को जो हुआ वो हुआ, दिलशाद संभाल लेती, आप क्यों गए वहां? अब एक बार जब आपने उनको दिल से दूर कर दिया है तो दिल में उनकी यादें लिए क्यों घूम रहे हैं अब तक? भी चांद जमीन से चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो जाए, पर पानी में उसका अक्स दिखना बंद नहीं हो जाता। असद बेटा है राशिद का, उसके दिल से उसकी याद कैसे जा सकती है? और क्यों नहीं होगा उसे दर्द? बेटे का दर्द वही समझ सकता है जिसके पास बेटा हो। खुद को तकलीफ देकर तुम क्या हासिल करना चाहते हो? ये सजा तुम खुद को नहीं दे रहे हो, मुझे दे रहे हो। तुम्हारा जख्म अभी भी ताजा है। इसी का तो अफसोस है अम्मी, 17 साल बाद भी ये जख्म ताजा है। मैं इस जख्म की बात कर रही हूँ जो तुम्हें आज लगा है। और मैं उस जख्म की बात कर रहा हूँ जो आपको और मुझे 17 साल पहले मिला था। वक्त हर जख्म भर देता है असर, पर अगर वक्त खुद जख्म बन जाए तो। Thank you.
ताना दे दिया आज आपने। बेटा बेशक ना हो, औलाद तो है और औलाद का दर्द हम खूब समझते हैं, लेकिन कभी भी हमने औलाद को खानदान की इज्जत से ऊपर नहीं रखा। हम भाभी माफ कर दीजिए ना, हमें माफ कर दीजिए। हम तो इस बात से परेशान है कि अपनी खत का क्या होगा। बात बहुत तो नहीं बिगड़ी, वो लोग फिर से आएंगे ना निखत को देखने। ए, उनको क्या पड़ी है? उनके लड़के को रिश्ते की कमी है? कोई इरिगेशन में इंजीनियर है, इंदौर में ही दो दो मकान है उनके, फिर भी हमारी बहुत इज्जत करते हैं। अरे बहुत मानते हैं हमको, इसीलिए तो इतनी बदतमीजी हो जाने के बावजूद भी निखत को देखने दोबारा जरूर आएंगे। जैसे वो लोग नहीं आएंगे तो निखत को दूसरा रिश्ता मिलेगा ही नहीं। हाँ, आप तो ऐसे ही हालात से बेखबर बने रहिए। अल्लाह कसम, जो आज हुआ है ना वो फिर से होगा। आज जो हुआ सो हुआ, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? असद कैसा है? ठीक है। अयान को कैसे पता चला कि असद हॉस्पिटल में? हम समझ सकते हैं कि जब तुम्हें खबर मिली तो तुम्हारा वहां जाना जरूरी था, लेकिन बात तो यह है कि तुम्हें खबर मिली कैसे? अयान से। और अयान को इस बात का पता कैसे चला? क्योंकि अयान खुद असद के साथ था। तुम्हें पता है ना अयान, कि हमारा उस घर से कोई रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारी खामोशी का हम क्या मतलब निकालें? यही ना कि तुम असद से मिलने गए थे। अफसोस होता है तुम्हारी औलाद को देखकर, कैसी बेअदबी से आंख मिलाकर खड़ा है। लेकिन इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारे सामने बेअदब लड़का नहीं बल्कि निकम्मी बेकार परवरिश खड़ी है। भूल गए राशिद कि ज्यादा ढील देने से पतंगे कट जाया करती हैं। सब तुम्हारी गलती है राशिद, तुम्हारी। मैं असद भाई से मिलने नहीं गया था, मैं तो मजार पर गया था। वहां मेरे सामने ये हादसा हो गया, इसलिए मुझसे रुका नहीं गया। रुका नहीं गया क्या मतलब? मतलब भाईजान को इस हालत में देख के मुझसे रहा नहीं।
क्या क्या सहन करना पड़ रहा है तुम्हारे लिए राशिद मियां। अयान दादी प्लीज आप मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए, मुझे मालूम है कि मैं सही हूं। अयान अगर सही बात भी गलत तरीके से कही जाए तो वो गलत ही लगती है। जो कुछ भी हुआ इसका मतलब कहते ये नहीं कि तुम बड़ों से बदतमीजी से पेश आओ। सारी जिम्मेदारी हमारी है दादी, उनकी कुछ नहीं। वो होते कौन है मुझसे इस तरह सवाल पूछने वाले? मैं अपने बड़े भाई से मिलूं या ना मिलूं इसका फैसला कोई कैसे कर सकता है दादी? मैं जानता हूँ सब क्यों हो रहा है दादी, अब्बू की वजह से। ऊपर वाले ने सब कुछ दिया दादी, एक रीढ़ की हड्डी देना भूल गए। कैसे बाप है वो? कोई शख्स उससे जवाब तलब कर रहा है कि वो अपने जख्मी बेटे से हॉस्पिटल क्यों मिलने गए और वो खड़े होकर सुनते रहे। ऐसा लगता है जैसे वो मामू के गुलाम है दादी। शर्म आती मुझे अपने बाप के तरह। जानते हो जो तुम आज इतना बोल रहे हो राशिद की वजह से, उसने असद पर नहीं तुम्हारे सर पर बाप का साया दिया। थैंक यू। क्या हुआ? आप क्या सोच रही हो? मैं कौन सा मुंह लेके जाऊं आप ही के पास? कौन सा मुंह मतलब? तुम क्या दशहरे का रावण हो? अरे अल्लाह मियां ने एक सुंदर सा मुंह दिया है, वही लेकर जाओ आप यहाँ पे के पास और क्या। जीजू आप ही मेरा खून कर देंगी। आखिर मैं अपनी वेडिंग से भाग गई थी। वेल तुम अपने निकाह से भाग गई थी इसके बारे में तो अब कोई कुछ नहीं कर सकता, और रहा तुम्हारी आप ही का गुस्सा तो उसके बारे में भी कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो सोया, प्रॉब्लम्स जो है ना वो भागने से सॉल्व नहीं होती, यू हैव टू फेस योर प्रॉब्लम। जीनत तुम्हारी आप ही है, जाओ उनके सामने उनसे मिलो, प्रॉब्लम शायद अपने आप सॉल्व हो जाए। लेट्स गो। हमने उन लोगों के लिए, कौन नहीं जानता कि आपने राशिद के लिए क्या नहीं किया, लेकिन अयान के साथ आपको थोड़ी नरमी से पेश आना चाहिए था। जी पतंगे डोर को कसकर खींचने से भी टूट जाया करती है। आखिर हुमैरा का रिश्ता कराना चाहते हैं मायान से, लेकिन आज आपने उसको कुछ ज्यादा ही डांट दिया। सख्ती उतनी ही ठीक है कि वो घर में तमीज से रहे, पर इतनी भी ना होने पाए कि वो घर छोड़कर ही चला जाए। और आखिर छोटी सी ही तो बात, छोटी छोटी बातों से ही दास्तान बनती है रसिया। एक ऐसी ही छोटी सी गलती
शिरीन ने भी की थी। बिना सोचे समझे शादीशुदा राशिद से मोहब्बत कर बैठी। हमने राशिद से कहा था या तो वो दिलशाद के साथ गुमनामी की जिंदगी चुन ले या फिर शिरीन के साथ इज्जत रुतबा शोहरत हमारी बिजनेस। उसने शिरीन को चुन लिया, बदले में हमने अपना वादा पूरा किया, उसे हर वो चीज दी जिसके वो ख्वाब देखता था। वादा तो उसने भी हमसे किया था कि वो कभी दिलशाद की ओर नहीं देखेगा, लेकिन वो अपना वादा निभा नहीं रहा है रजिया। आप फिक्र ना करें, मैं शिरीन से बात करूंगी। ये तार फिर से जुड़ने नहीं चाहिए रजिया, कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ भी बनाया है सब बिखर जाए।